नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर, आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उम्मीद है आपको। नगर पालिका का स्थानीय एक लोकल बॉडी का चुनाव है। हम सब जानते हैं कि लोकल बॉडी बहुत महत्वपूर्ण होती है शहर के विकास के लिए। नगर पालिका में भरपूर पैसा सरकार से आता है और मंत्री होने के नाते, विधायक होने के नाते हमारी जो प्रत्याशी हैं मीनाक्षी स्वरूप, ये जीतती हैं, हमारे सभासद जीतते हैं। तो और अधिक प्रयास करके, और अधिक परिश्रम करके हम यहाँ के लिए पैसा लाएंगे, शानदार काम हो पाएगा, शानदार टीम बनाकर हम काम करेंगे। नगर का चहुंमुखी विकास भी हमारी जिम्मेदारी भी है। इस बार लगभग 160,000 मतदाता बढ़े, यानी 11 गाँव उनकी सीमा बढ़ी है। उनकी बहुत सारी अपेक्षाएँ हमसे हैं कि उनके क्षेत्र में विकास हो, नाले का, ड्रेनेज का, सीवरेज का, बहुत सारी अपेक्षाएँ उनकी हैं। हमको पूरा भरोसा है कि जनता भरपूर वोट भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। पहले विकास क्यों नहीं हो पाया पिछले 5 सालों? हो रहा, देखिए विकास सतत प्रक्रिया है, विकास नहीं हुआ ऐसा नहीं है। पैसा आता, पैसा कंज्यूम होता, विकास होता है, पर और अधिक अच्छा काम हो। यानी हमारा कंपटीशन हमसे ही है, हम पहले से और अच्छा काम करें हमारी जिम्मेदारी है। चूंकि पिछली बार हम ही विधायक थे, इस बार भी हम ही विधायक हैं, पहले से सरकार हमारी थी, इस बार भी सरकार हमारी है, तो पहले से और बेहतर काम कर पाए, ये हमारी जिम्मेदारी। मतदान हमने किया है कमल के, मतदान हमने किया है और निश्चित रूप से आप जा रही है कि जनता से अपील कर रहे हैं कि सब लोग कमल के फूल पर वोट करें। आपने आज मतदान किया है, आप प्रत्याशी हो भारतीय जनता पार्टी, तो किस तरह से देखते हैं, इस तरह के किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए थे? आज मतदान हो रहा है 13 तारीख पर, मतदान क्या कहेंगे? मतदान में आप देखिए जनता का उत्साह बहुत है, तो उत्साह देख के बहुत अच्छा लग रहा है और कमल ही खिलेगा, पूरी उम्मीद है कमल ही खिलेगा हमें और मुजफ्फरनगर का विकास होगा। सबको पता है कि भाजपा जीतेगी तो विकास मुजफ्फरनगर का होगा ही होगा, तो सब भाजपा जनता पार्टी को, मोदी जी, योगी जी को ही जिताएंगे। किधर से मतदाताओं से अपील करना चाहिए? आज मतदान हो रहा है, कई जगह बहुत खाली, किधर से अपील करना चाहिए? खाली तो कहीं नहीं है, धीरे धीरे सब उठेंगे, सब धीरे, कोई देर से उठता है तो इसीलिए है, खाली तो कहीं नहीं है, भीड़ हर जगह, कहीं ज़्यादा कहीं कम। अपील क्या करनी है? अपील तो हमारी यही है कि मोदी जी और योगी जी को लाएं इस बार नगर पालिका में, नगर पालिका को भगवा कर दें। अगर आप चेयरमैन बन जाए तो सबसे बड़ा विकास कार्य है जो क्या आपकी नजर में है, क्या रहेगा? सबसे बड़ा विकास कार्य तो मुजफ्फरनगर का विकास ही है, सौंदर्यीकरण है, सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है कि हम इसको सुधारेंगे, नाले और नालियों का जो सबसे बड़ा वो काम है उसी को शुरू से उसी से करा जाएगा। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? पूरी तरह से आश्वस्त है। मतदान सुबह 7 बजे अपने निर्धारित समय पर शुरू हो चुका है, सभी जगह बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा है। पर्याप्त फोर्सेज जिले में है, सभी अधिकारी जितने भी प्रशासन के हों या पुलिस के हों, ग्राउंड्स के हों, हम लोग इंश्योर करेंगे कि मतदान जो है दिन भर शांतिपूर्ण रहे और बिल्कुल निष्पक्ष माहौल में मतदान चुनाव की प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा नहीं है, बिल्कुल निष्पक्ष और बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सफाई। कोई संदेश सर मुजफ्फरनगर के लोगों के लिए? बस यही संदेश है, सब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें, सब लोग मैक्सिमम संख्या में आकर के वोट करें, शांति बनाए रखें। कोई भी बिना मतलब कोई विवाद करता है यहाँ पे, किसी तरह का फर्जी वोटिंग मतलब पाया जाता है, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।